बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बी हाइव से द लिटिल गर्ल भाग 1-2 व कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भाग 5 व संस्कृत व्याकरणम विषय में कारक भाग 2। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अ लिटिल गर्ल। ये है एक बच्ची की कहानी। एक छोटी सी बच्ची है जिसको अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, और क्या वो डर दूर होगा या बच्ची हमेशा ही ऐसे डरती रहेगी, जानेंगे हम इस कहानी में। चलो करते हैं इस कहानी के पहले भाग की शुरुआत। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो उस लड़की के लिए, लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल यानी कि उस छोटी लड़की के लिए, ही वॉज अ फिगर। ही का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है। कौन सा व्यक्ति वो तो हमें पता नहीं है अभी। तो वो जो व्यक्ति है, ही वॉज अ फिगर, फिगर यानी कि वो जो व्यक्ति है वो आकृति है जिससे फियर किया जाए और अवॉइड किया जाए, यानी कि जिससे डरा जाए और जिसको अवॉइड किया जाए, मतलब जिससे दूर रहा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले ही केम इनटू, मतलब वो अंदर आते थे उसके कमरे में। गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक किस करते थे, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ, जिसका वो रिस्पॉन्ड करती थी, जवाब देती थी, गुड बाय फादर। तो क्या जवाब देती थी ये बच्ची? गुड बाय फादर, यानी कि ये जो छोटी सी लड़की है, इस लड़की के लिए जो आकृति है जिससे डरा जाए और जिससे दूर रहा जाए, वो आकृति है उसके पिता की। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और क्या बता रहा है लेखक? वो ये बता रहा है कि एक ग्लैड यानी कि एक प्रसन्नता वाली सेंस ऑफ रिलीफ, राहत की वो सांस लेती थी, व्हेन शी हर्ड, जब वो हर्ड करती थी, सुनती थी द नॉइज ऑफ कैरेज। नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर भी होता है और मतलब होता है ध्वनि। तो वो जब सुनती थी ध्वनि या फिर शोर उस कैरेज का, गाड़ी का, जो कि हो रही होती थी फेंटर एंड फेंटर। फेंटर का मतलब क्या होता है? हल्की हो रही थी डाउन द लॉन्ग रोड। कैसे हल्की हो रही थी? जब वो गाड़ी सड़क पर जा रही थी, तो जाते जाते जैसे जैसे वो गाड़ी दूर जा रही थी, वैसे वैसे उसकी जो ध्वनि थी वो हल्की पड़ती जा रही थी। और जब वो ध्वनि हल्की पड़ती थी, तब इस लड़की को, इस बच्ची को बहुत ही प्रसन्नता होती थी, एक राहत की सांस लेती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase. और शाम को, evening में यानी कि शाम को, जब वो घर आते थे, ये बच्ची खड़ी होती थी staircase के पास। staircase यानी कि सीढ़ी के पास। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि फिगर यानी कि आकृति, फियर्ड का मतलब होता है भयभीत होना, अवॉइडेड यानी कि दूर रहना, रिस्पॉन्डेड
रिस्पोंडेड का मतलब क्या होता है? जवाब देना. ग्लैड यानी कि प्रसन्नता, रिलीफ यानी कि राहत, हर्ड यानी सुनना. नॉइज़ का मतलब क्या होता है? शोर. लेकिन इसका एक और मतलब क्या है? ध्वनि या फिर आवाज़. कैरेज यानी कि गाड़ी, फेंटर यानी कि हल्की, और स्टेयर के इसका मतलब होता है सीढ़ी. तो शाम को जब उस बच्ची के पिता आते थे तब ये स्टेयर के इसके पास यानी कि सीढ़ी के पास खड़ी होती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी लाउड यानी कि जो तेज़ आवाज़ थी हॉल के अंदर से वो सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम. और क्या बोलते थे पिताजी? मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में लेके आओ. हैज़न्ट द पेपर कम येट? क्या अभी तक अखबार नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और क्या बोलते थे वो? वो अपनी माँ को यानी कि इस बच्ची की जो दादी हैं उनको आवाज़ देते हुए बोलते थे इस बच्ची के पिता कि मम्मा जाओ और देखो कि क्या बाहर कोई पेपर है और मेरे स्लीपर्स लेके आओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. तो केजिया यानी कि इस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है? केजिया. तो केजिया नाम पुकारते हुए इस बच्ची की माँ क्या बोलती थी? अगर तुम गुड गर्ल हो, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, तो तुम नीचे आओ और फादर्स बूट्स पिताजी के जो बूट्स हैं, जो जूते हैं, वो उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे. तो धीरे धीरे ये बच्ची क्या करती थी? स्लिप डाउन होती थी, मतलब सरकते हुए नीचे आती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उसकी गति और भी धीमी हो जाती थी जब वो हॉल से होते हुए आती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का गेट वो खोलती थी. तो कौन कौन से मीनिंग पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना कि स्लोली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे. स्लिप यानी कि सरकना या फिर फिसलना. तो ये बच्ची धीरे 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 आती थी सीढ़ियों से, और फिर वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन. और इस समय तक, बाय दैट टाइम यानी कि इस समय तक, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे पहन लिए थे. एंड लुकड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और उनके द्वारा इस तरीके से उसके पिता देखते थे जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता था, दिल दहलाने वाला होता था इस बच्ची के लिए. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और क्या बोलते थे पिताजी? कि केजिया हरी अप. हरी अप यानी कि जल्दी करो एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, मतलब निकाल दो ये जूते, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनी रही? डोंट नो फादर. और ये बच्ची क्या कर रही है बच्चों? ये बच्ची थोड़ी सी हकला रही है, और हकलाते हुए क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता पिताजी. यू डोंट नो. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. पिताजी क्या बोले? तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इसी तरीके से स्टटर करोगी, हकलाओगी, तो मदर तुम्हें, माँ तुम्हें लेके जाएगी डॉक्टर के पास. She never stuttered with other people. तो ये जो लड़की थी ये stutter नहीं करती थी, मतलब हकलाती नहीं थी दूसरे लोगों के सामने. Had quite given up. Quite यानी कि काफ़ी. तो काफ़ी हद तक उसने ये छोड़ दिया था. But only with father. लेकिन केवल पिता के सामने. Because then she was trying so hard to say the words properly. और केवल वो अपने पिता के सामने हकलाती थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी शब्दों को प्रॉपरली यानी कि ठीक रूप से बोलने के लिए. What's the matter? What are you looking so wretched about? क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? Wretched का मतलब क्या होता है? अति दुखी. तो तुम अति दुखी क्यों दिख रही हो? Mother, I wish you taught this child. तो वो अपनी माँ से बोलते हैं, उस लड़की के पिता, केजिया के पिता, कि मदर मेरी ये इच्छा थी कि काश आपने इसको सिखाया होता, टॉट किया होता यानी सिखाया होता, टू नॉट अपीयर, कि इस तरीके से दिखाई ना दे जैसे कि
शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. सुसाइड मतलब आत्महत्या, ब्रिंक यानी कि कगार. तो मेरी ये इच्छा है कि काश आपने इसको सिखाया होता कि इस तरह दिखाई ना दे जैसे कि वो आत्महत्या की कगार पर है. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और वो क्या बोले केजिया को कि केजिया कैरी माई टी कप, मेरा टी कप लेके जाओ बैक टू द वापस से टेबल पे केयरफुली. केयरफुली का मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि क्वाइट का मतलब होता है कार्य. कार्य होता है क्या? कार्य नहीं होता है. इसका मतलब होता है काफी. प्रॉपरली का मतलब होता है उचित रूप से या फिर ठीक प्रकार से. रैचेड यानी कि अति दुखी. टॉट का मतलब होता है सिखाना. ब्रिंक यानी कि कगार. सुसाइड यानी कि आत्महत्या. और केयरफुली का मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक या फिर ध्यान से. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक. तो क्या बता रहे हैं? ये पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि पिताजी किस तरह से दिखते थे. पिताजी वॉज सो बिग, वो जो पिता थे वो बहुत बड़े थे. उनके हाथ और उनकी गर्दन, नेक यानी कि गर्दन. खासकर स्पेशली हिज माउथ. स्पेशली का मतलब क्या होता है? खासकर उनका माउथ यानी कि मुंह. व्हेन ही योन्ड, जब वो योन करते थे, उबासी लेते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. उनके बारे में सोचना, थिंक करना यानी कि सोचना, बिल्कुल ऐसे था जैसे कि एक जायंट व्यक्ति के बारे में सोचना. जायंट कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा लंबे हों, बहुत ऊंची कद काठी के हों, कुछ ज़्यादा ही लंबे हों, इस तरह के व्यक्ति को बोला जाता है जायंट. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे की दोपहरी को, afternoons यानी कि हर रविवार की दोपहरी को, दादी माँ भेज देती थी उसको नीचे. कहाँ पर नीचे? ड्रॉइंग रूम में, ताकि वो अच्छी से बात कर पाए. नाइस टॉक मतलब अच्छी सी बात कर पाए अपने माता पिता के साथ. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. लेकिन इस लड़की, ये लड़की क्या पाती थी? ये लड़की जब ड्राॅइंग रूम में जाती थी तो ये हमेशा देखती थी कि उसकी मदर, उसकी माँ कुछ पढ़ रही होती थी. एंड द फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा. और जो उसके पिता थे वो सोफ़ा पर स्ट्रेच्ड आउट होते थे. स्ट्रेच्ड आउट का मतलब क्या होता है? फैल के एकदम पसर कर लेटे थे. His handkerchief on his face. और उसके पिता का जो handkerchief होता था, handkerchief यानी कि रुमाल, तो पिताजी का जो handkerchief होता था वो उनके चेहरे पे होता था. His feet on one of the best cushions. और जो उनके पैर होते थे वो बहुत बढ़िया cushions के ऊपर होते थे. cushions क्या होते हैं? मसनद. तो उनके पैर मसनद के ऊपर रखे होते थे. Sleeping soundly. और ऐसा करते हुए यानी कि मुंह पे रुमाल रखे हुए, पैर मसनद पे रखे हुए, पिताजी क्या करते थे? साउंडली यानी कि गहरी नींद में सो रहे होते थे. एंड स्नोरिंग, और साथ ही साथ वो खर्राटे लेते रहते थे. तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि स्पेशली का मतलब होता है खासकर. योन्ड यानी कि उबासी लेना. थिंकिंग मतलब सोचते हुए. स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना या फिर पसर कर लेटना. हैंकरचीफ यानी कि रुमाल. कुशंस यानी कि मसनद. साउंडली, साउंडली यानी कि गहरी नींद में. और स्नोरिंग यानी कि खर्राटे लेते हुए. शी सेट ऑन अ स्टूल. तो वो बच्ची क्या करती थी? वो स्टूल पे बैठ जाती थी. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड. और वो ग्रेवली यानी कि गंभीरता से वॉच करती थी, देखती थी उनको. किनको? अपने पिता को. जब तक वो वोक नहीं करते थे, वोक यानी कि नींद से नहीं उठते थे और स्ट्रेच नहीं कर लेते थे. अच्छा, एक स्ट्रेच का मतलब तो हमने जाना कि होता है पसरना. पर यहाँ पे जो स्ट्रेच है इसका मतलब है अंगड़ाई लेना. तो ये तब तक अपने पिता को देखती रहती थी जब तक वो उठ नहीं जाते थे और अंगड़ाई नहीं लेते थे. एंड आज द टाइम देन लुकड एट हर. और उसके बाद वो समय नहीं पूछते थे और फिर केजिया को नहीं देखते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन
आउल। और क्या बोलते थे पिताजी, इस तरीके से स्टेयर मत करो, मतलब एक टक नजर से मत देखो। क्यों? क्योंकि तुम दिखती हो एक छोटे से ब्राउन यानी कि भूरे रंग के आउल की तरह, आउल यानी उल्लू। तो इस तरीके से एक टक मत देखो। क्यों? क्योंकि तुम एक भूरे रंग के उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तो एक दिन वो जब घर के अंदर थी, क्यों भाई, कोल्ड की वजह से, जुखाम की वजह से, ग्रैंड मदर यानी दादी ने बताया कि उसके फादर का बर्थडे है, जन्मदिन है अगले हफ्ते। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने ये सजेस्ट किया, सुझाव दिया दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट। और क्या सुझाव दिया कि तुम उनके लिए एक अच्छा सा पिन कुशन, एक अच्छा सा मसनद बनाओ तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में यानी कि तोहफे के रूप में, ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक खूबसूरत येलो सिल्क के कपड़े से। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि ग्रेवली का मतलब होता है गंभीरता से, वॉच्ड यानी कि देखना, वोक यानी नींद से उठना, स्टेयर यानी एकटक देखना, ब्राउन यानी कि भूरा, सजेस्टेड यानी कि सुझाव देना, और ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। तो दादी माँ ने ये सुझाव दिया कि तुम एक खूबसूरत से पीले रंग के सिल्क से एक अच्छा सा मसनद बनाओ अपने पिता के लिए उपहार स्वरूप। तो क्या बच्चों, ये बच्ची वो मसनद बनाएगी और क्या उसके पिता को ये मसनद पसंद आएगा, जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भाग 5। हमारा चैप्टर हमने पढ़ लिया है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं इसके पहले भाग की शुरुआत। क्वेश्चन आंसर्स के भी दो भाग है बच्चों। पहले भाग की शुरुआत हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपके सामने अब कुछ सवाल आएंगे जिनके कुछ ऑप्शन दिए हुए होंगे और उन ऑप्शंस के अंदर सही चुनाव आपको करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनविजिबल साइंटिस्ट इन द स्टोरी। जो साइंटिस्ट था यानी जो वैज्ञानिक था, इनविजिबल था, अदृश्य वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था इस कहानी में? उसका नाम था ग्रिफिन। ऑप्शन क्या है इसका सही? सी। Where did Griffin decide to slip in for warmth first time? तो कहाँ पर ग्रिफिन ने ये फैसला किया था कि वो कहाँ जाकर क्या करेगा? स्लिप इन करेगा, चुपके से घुस जाएगा गर्माहट के लिए पहली बार। कहाँ फैसला किया था उसने? क्या वो नाटक कंपनी में गया था? नहीं, वहां तो वो दूसरी बार गया था। क्या वो मिठाई की दुकान में गया था? नहीं, वहां पे भी नहीं गया था। क्या वो बिग लंदन स्टोर में गया था? जी हाँ, इसका सही उत्तर भी यही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। Whose money was stolen by the scientist? उस साइंटिस्ट ने, उस वैज्ञानिक ने किसके पैसे स्टोल किए थे, चुराए थे? टीचर के? नहीं। शॉपकीपर के? नहीं। कॉन्स्टेबल के? नहीं। तो किसके चुराए थे? उसने चुराए थे क्लर्गी मैन के, उस पादरी के। अब आपको ये लगेगा कि ऑप्शन बी सही क्यों नहीं है, शॉपकीपर सही क्यों नहीं है। दरअसल शॉपकीपर को तो क्या किया था, उसने लूटा था, उसको मार दिया, मारा था पीछे से और फिर उसको लूटा था। तो इस कारण से शॉपकीपर इसका सही जवाब नहीं है, सही जवाब है क्लर्गी मैन, पादरी। State whether the statements given below are true or false. तो अब ये जो आपके सामने वाक्य आ रहे हैं, आपको ये बताना है कि वो सही है या गलत। पहला, Griffin was not a scientist. क्या Griffin वैज्ञानिक नहीं था? ये ऑप्शन क्या है, ये पूरा वाक्य फॉल्स है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि Griffin तो एक वैज्ञानिक ही था। Griffin was rather a lawless person. Griffin एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कानून को नहीं मानता था। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि Griffin ने क्या किया था, जब उसके लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं आ रहा था Griffin, तो वो उसको निकालना चाहता था। इसी कारण से Griffin ने बदला लेने के लिए क्या किया, लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी। और Griffin ने कुछ ऐसी दवाइयां भी खा ली थी जिससे वो अदृश्य हो जाए। इस कारण से हम कह सकते हैं कि Griffin एक लॉलेस व्यक्ति था, वो कानून को नहीं मानता था।
मिसेस हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. तो मिसेस हॉल जो थी वो लैंडलॉर्ड की यानी कि मकान मालिक की पत्नी थी. ये बिल्कुल सही है, ट्रू है. द कॉन्स्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन. वो जो कॉन्स्टेबल था उसने ग्रिफिन को अरेस्ट करने की यानी कि गिरफ्तार करने की कोशिश की थी. बिल्कुल की थी. कहानी के अंत में हमने जाना था कि किस तरीके से वो कॉन्स्टेबल गिरफ्तार करना चाहता था एक ऐसे व्यक्ति को जो कि जिसका तो सर ही नहीं है और जो कि क्या हो रहा है वो अदृश्य होता जा रहा है और भी ज्यादा. तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है. ग्रिफिन हैड नॉट शेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफिन ने खुद को नहीं मुक्त करा लिया था. क्या नहीं मुक्त कराया था भाई, कहानी के अंत में तो ग्रिफिन ने उस कॉन्स्टेबल से और लोगों से खुद को मुक्त करा लिया था और कोई भी उसको नहीं पकड़ पाया था. तो ये जो आखिरी वाक्य है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है. Answer the following questions in 20 to 25 words each. तो अब जो सवाल है आपको चंद शब्दों में उसके उत्तर देने हैं. पहला सवाल, Why were the two boys surprised? वो जो दोनों लड़के थे वो दोनों सरप्राइज क्यों हो गए थे, आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे. तो कहानी की शुरुआत में ये बात हुई थी और क्या बात हुई थी कि दो लड़के एक ऐसे पैरों की छाप देख रहे थे जहां पर उसको वो व्यक्ति ही नहीं दिखाई दे रहा था जो वो पैरों की छाप बना रहा था और इसी कारण से वो लड़के सरप्राइज हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे. अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम, The two boys were surprised. वो जो दोनों लड़के थे वो surprised हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, because क्योंकि उन्होंने देखा, they saw यानी उन्होंने देखा fresh muddy imprints, ताजे कीचड़ से भरी हुई छाप of a pair of bare feet, एक ऐसे पैरों की छाप जो कि नंगे पैर थी. On the steps of a house, उस घर के steps पर यानी कि सीढ़ियों पर. But the man was invisible. लेकिन जो व्यक्ति वो छाप बना रहा था वो invisible था, वो अदृश्य था. How did the scientist become invisible? वो जो scientist था, वो वैज्ञानिक था, वो अदृश्य कैसे हो गया था? वो ऐसे हो गया था कि उसने कुछ खास तरह की दवाइयां खा ली थी. क्यों? क्योंकि उसने कई सारे प्रयोग किए थे वो दवाइयों को बनाने के लिए, अदृश्य होने के लिए. चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे लिखना है. The scientist became invisible. वो जो scientist था वो अदृश्य हो गया था by swallowing certain rare drugs. निगल कर कुछ खास तरह की rare drugs. Drugs यानी कि दवाइयां. Which made his body transparent. और उन दवाइयों ने क्या किया, उसके शरीर को transparent कर दिया. क्या कर दिया भाई, वो बिल्कुल कांच जैसा हो गया. जैसे कि एक शीट ऑफ ग्लास होती है, एक कांच होता है. Why did Griffin set fire to the house of the first landlord? Griffin ने अपने पहले लैंडलॉर्ड के घर को आग क्यों लगाई थी? इसलिए लगाई थी कि लैंडलॉर्ड उसको निकालना चाहता था और वो बदला लेना चाहता था. कौन बदला लेना चाहता था? ग्रिफिन. ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने उस घर को आग लगा दी अपने पहले मकान मालिक के, बिकॉज क्योंकि वो मकान मालिक डिसलाइक करता था, ना पसंद करता था ग्रिफिन को और वो कोशिश कर रहा था, ट्राई टू इजेक्ट मतलब कोशिश कर रहा था उसे इजेक्ट करने की, निकालने की. ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम और इसी कारण से ग्रिफिन बदला लेना चाहता था अपने उस लैंडलॉर्ड से. Why did Mrs. Hall think that her guest was an eccentric person? Mrs. Hall को ऐसा क्यों लगा कि उनका जो guest है वो एक eccentric व्यक्ति है, मतलब अकेले में खुद में रहने वाला व्यक्ति है. देखिए इसलिए लगा था कि Mrs. Hall ने उसके साथ मित्रवत होने की बहुत कोशिश की लेकिन उस वैज्ञानिक ने सीधा बता दिया कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको परेशान करे. और कैसे पता चला था मिसेस हॉल को, उनको इसलिए भी लगा कि उस व्यक्ति की बहुत अजीब आदतें थी और उसका जो स्वभाव था वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा था. मिसेस हॉल थॉट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक पर्सन बिकॉज मिसेस हॉल ने ये सोचा कि उनका जो मेहमान है, गेस्ट है, वो एक एसेंट्रिक पर्सन है बिकॉज क्योंकि He spurned all her efforts to be friendly. क्योंकि उसने क्या किया था, बिल्कुल spurn कर दिए थे. spurn कर दिए था का मतलब क्या होता है, उसने बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया था मिसेस हॉल के दोस्ताना व्यवहार का.
ही हैड स्ट्रेंज हैबिट्स, और उस अजनबी की स्ट्रेंज हैबिट्स थी, अजीब आदतें थी और इरिटेबल टेम्पर था, चिड़चिड़ा स्वभाव था. What happened in the clergyman's study? Clergyman की study में, यानी उस पादरी की पढ़ाई वाले कमरे में क्या हुआ था? ये हुआ था कि कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ खनक आ रही थी पैसे लेने की. और जब clergyman वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा? वहां पर कोई भी नहीं है. तो इसका उत्तर है very early in the morning, सुबह सुबह बहुत जल्दी, clergyman and his wife, clergyman और उनकी पत्नी को हर्ड हुआ, सुनाई दिया चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनक, जो कि being taken, यानी कि जो कि निकाली जा रही थी clergyman की डेस्क से. बट देर wasn't a sign of anybody, लेकिन वहां पर कोई साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था किसी का भी. What did Mrs. Hall fell down in hysteresis? Mrs. Hall मिर्गी के कारण गिर क्यों गई थी? इसलिए गिर गई थी कि Mrs. Hall को लग रहा था कि वो कमरा क्या है? भूतिया हो चुका है. जो आत्माएं हैं वो उस कमरे में रखी गई फर्नीचर में घुस गई हैं. उसका उत्तर देखें अब कैसे लिखेंगे हम. Mrs. Hall fell down in hysteresis. Mrs. Hall मिर्गी के कारण गिर गई थी because, क्योंकि she was convinced, वो इस बात के लिए बिल्कुल पक्का थी कि वो जो कमरा है वो हॉन्टेड है, यानी कि वो क्या हो गया है, वो भूतिया हो गया है कुछ स्पिरिट्स के कारण, कुछ आत्माओं के कारण. एंड दैट स्ट्रेंजर हैड कॉज्ड देम टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो जो अजनबी है उसी के कारण वो आत्माएं घुस गई हैं, एंटर कर गई हैं, मतलब प्रवेश कर गई हैं फर्नीचर में. व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम फ्यूरियस? ग्रिफिन फ्यूरियस क्यों हो गया था? फ्यूरियस होना यानी अतिक्रुद्ध होना. क्यों हो गया था ग्रिफिन अतिक्रुद्ध? क्योंकि ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस बिकॉज मिसेज हॉल डिमांडेड, क्योंकि मिसेज हॉल ने डिमांड की, ये जानना चाहा कि हाउ ही केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि वो किस तरीके से खाली कमरे में आ गया. एंड हाउ ही एंटर्ड अ लॉक रूम, और किस तरीके से वो प्रवेश कर गया एक बंद कमरे में. Answer the following questions in 30 to 40 words each. तो अब जो सवाल आएंगे आपको 30 से 40 words के बीच में उसका उत्तर देना है, थोड़े से ज्यादा शब्दों में उसका उत्तर देना है. Why was the scientist wandering in the street? वो जो वैज्ञानिक था वो सड़कों पर क्यों wander कर रहा था, क्यों इधर उधर घूम रहा था? इसलिए घूम रहा था कि उस साइंटिस्ट का जो मकान मालिक था वो उसको डिसलाइक करता था, नापसंद करता था, और वो मकान मालिक इस साइंटिस्ट को अपने घर से निकालना चाहता था, और बदला लेने के लिए इसने उस घर को आग लगा दी थी. अब आग तो लगा दी, लेकिन अब इसके पास में रहने की तो कोई जगह थी नहीं, इसीलिए वो सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था. The scientist was wandering on the streets because, साइंटिस्ट सड़कों पे इसलिए घूम रहा था क्योंकि the landlord disliked him, वो जो उसका मकान मालिक था वो उसको नापसंद करता था, and tried to eject him, और उसको निकालने की कोशिश कर रहा था. In revenge, बदला लेने के लिए The scientist set fire to his house. Scientist ने उस वैज्ञानिक ने उस घर को क्या किया? आग लगा दी. And wandered about the streets of London. और लंदन की सड़कों पर wander करने लगा, इधर उधर घूमने लगा. What did Griffin do in the theatrical company? ग्रिफिन ने उस नाटक कंपनी में, यानी थिएट्रिकल कंपनी में क्या किया? वो गया था. क्यों गया था? क्योंकि वो कुछ कपड़े पहनना चाहता था, और वो ये चाहता था कि कंधों के ऊपर का हिस्सा भी दिखाई दे. फिर उसने कुछ पट्टियां लगाई, चश्मे लगाए, नाक लगाई और मूछे लगा ली. तो जाने हम इस उत्तर को कैसे लिखेंगे. In the theatrical company, he went upstairs. नाटक कंपनी में वो स्टूडियो पर गया, और making himself invisible, खुद को अदृश्य करके वो ऊपर सीढ़ियों पे चला गया. He came out wearing bandages. जब वो बाहर आया तो उसने पहनी हुई थी bandages, पट्टियां अपने forehead पर, forehead यानी माथे पर. Dark glasses, गहरे रंग के चश्मे पहने थे. Big bushy side whiskers, और उसने बहुत मोटी बड़ी बड़ी क्या लगाई हुई थी? मूछे लगाई हुई थी. And a large hat, और एक बहुत बड़ी hat पहनी हुई थी.
He attacked the shopkeeper and robbed him of all the money. उसने shopkeeper को यानी कि उस दुकानदार को क्या किया? उस दुकानदार पे attack किया, हमला किया और rob कर लिया, loot लिए उसके सारे पैसे. Why did Griffin leave London? Griffin ने London क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि उसको कभी भी क्या करा जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था, यानी गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था, और वो ऐसा नहीं चाहता था, वो बचना चाहता था. अब अरेस्ट क्यों करना चाहते थे लोग उसको? क्योंकि उसने एक दुकानदार के ऊपर आक्रमण किया था और उसको लूट लिया था. चलो जानते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे. Griffin left London. Griffin ने London छोड़ दिया because क्योंकि he could be arrested. उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था. For stealing and robbing a London shopkeeper. क्योंकि उसने steal कर लिया था, चुरा लिए थे, लूट लिए था London के shopkeeper को, London के एक दुकानदार को. उसने क्या किया? He had made illegal entry in a big London store. और उसने illegal प्रवेश कर लिया था London के बहुत बड़े स्टोर में. He had pleasure of clothing and feeding himself there. उसने क्या किया था? खुद को खुशी प्रदान की थी कपड़े पहनकर और खाना खिलाकर उस London के बड़े से स्टोर में, और इसी कारण से उसको गिरफ्तार किया जा सकता था. Why were the clergy man and his wife surprised? Clergy man और जो उसकी पत्नी थी वो इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित क्यों हो गए थे? इसलिए हो गए थे कि जब वो साइंटिस्ट के कमरे में गए तब क्या हुआ था? साइंटिस्ट के कमरे में क्या clergy man गया था? नहीं, clergy man तो गया था स्टडी के अंदर. तो जब वो स्टडी में गया तब क्या हुआ था बच्चों? याद आ गई होगी आपको बात. उन्होंने क्या देखा कि भाई डेस्क से तो पैसे गायब है लेकिन वहां पे तो कोई है ही नहीं. चलो देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे. द क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड. क्लर्गी मैन और उसकी पत्नी सरप्राइज हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि देयर वाज नो नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी. कोई भी निशान नहीं था उस कमरे में होने का किसी का भी. एंड येट द स्टडी डेस्क हैड बीन ओपन. लेकिन फिर भी जो स्टडी डेस्क थी वो खुली हुई थी. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. और जो गृह व्यवस्था के पैसे थे वो गुम थे, गायब थे. What happened when Mrs. Jeffers tried to get hold of the scientist? क्या हुआ जब मिस्टर जेफर्स ने पकड़ने की कोशिश की उस साइंटिस्ट को? क्या हुआ था? क्या हुआ था हम तो जानते हैं, कहानी के आखिरी भाग में हमने पढ़ा था. हमने ये जाना था कि उसने क्या किया. उस साइंटिस्ट ने वो अपने कपड़े उतारने लगा और थोड़ी देर में क्या पाया मिस्टर जेफर्स ने कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा है जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा था. और अंत में उस साइंटिस्ट ने, उस वैज्ञानिक ने प्रहार करके मिस्टर जेफर्स को अनकॉन्शियस कर दिया था, बेहोश कर दिया था. When Mr. Jeffers tried to get hold of the scientist, जब मिस्टर जेफर्स ने उस साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को पकड़ने की कोशिश की, a shot flew in the air. एक शॉट था, एक शॉट लगा हवा में. And Mrs. Jeffers found himself struggling. और मिस्टर जेफर्स ने ये पाया कि वो संघर्ष कर रहे हैं with someone he could not see at all. एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसको वो देख नहीं पा रहे. In the end, Mr. Jeffers was knocked unconscious. और आखिर में क्या हुआ था? Mr. Jeffers को प्रहार करके बेहोश कर दिया गया था. Answer the following questions in 60 to 80 words each. तो अब सबसे ज्यादा शब्दों में इस सवाल के उत्तर देने हैं आपको. पहला सवाल, Griffin was rather a lawless person. Explain. और How can you say that Griffin was rather a lawless person? तो आपके सामने एक ही सवाल है बच्चों, लेकिन ये दो तरीके से पूछा जा सकता है. इसका उत्तर तो एक ही है लेकिन ये दो तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो वाक्य बताया है जो उस कहानी में था कि Griffin एक lawless, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था. इस बात को आपको थोड़ा सा इस बात का एक्सप्लेनेशन देना है, विवरण देना है. और दूसरा सवाल जिसका उत्तर यही है वो क्या है कि आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि ग्रिफिन एक कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था. कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि ग्रिफिन ने क्या किया था, कुछ दवाइयां खा ली थी और वो अदृश्य हो गया था. उसने बदला लेने के लिए अपने मकान मालिक का क्या कर दिया था, घर जला दिया था. फिर उसने लंदन के बड़े से स्टोर में प्रवेश कर लिया, उसने कपड़े पहने, खाना खाया और क्या हुआ,
जब उसको लगा कि असिस्टेंट आ रहे हैं तो वो भाग निकला। और आखिर में और कैसे पता चला हमें, उसने जो दुकानदार था उसके ऊपर प्रहार कर कर उसको लूट लिया था, जितने भी पैसे उस दुकानदार के पास थे। और क्या किया उसने, पादरी के भी तो पैसे लूटे थे। तो इन सारी बातों के कारण हम बोल सकते हैं कि ग्रिफिन कानून को नहीं मानता था। चलो देखते हैं इस सवाल को हमें किस तरीके से लिखना होगा। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस मैन, ये तो हमें पता है कि ग्रिफिन क्या था, एक कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड रन अवे, उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी और भाग गया। He went into London store. वो लंदन के स्टोर में गया। He took warm clothes and food free of charge. बिना पैसे दिए उसने वहाँ पे कपड़े भी ले लिया और खाना भी खा लिया। In a theatrical company, he took dresses. जब वो नाटक कंपनी में गया तो उसने वहाँ से कपड़े ले लिए। He attacked the shopkeeper and took away all his money. उसने दुकानदार के ऊपर हमला कर दिया और उससे सारे पैसे ले लिए। He stole money from the clergyman's house in Iping village. और उसने clergyman के भी पैसे ले लिए उस Iping गांव में। He beat the people and the constable. उसने लोगों को भी मारा और उस constable को भी मारा। These incidents prove that Griffin was rather a lawless person. और इन्हीं सारे incidents के कारण, इन्हीं सारे घटनाओं के कारण हम बोल सकते हैं कि Griffin एक lawless, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। What incident took place in the village of Iping when Griffin stayed there? तो क्या घटना हुई थी जब Griffin रह रहा था उस Iping गांव में? बहुत सारी घटनाएं हुई थी। क्लर्गी मैन को, एक पादरी को और उसकी पत्नी को सुनाई दे रही थी कुछ आवाजें एक स्टडी रूम से। जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो गृह व्यवस्था के जो पैसे हैं वो चुरा लिए गए हैं, पर वहां पे कोई है ही नहीं। और ये हुआ था कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था वो अचानक से जिंदा हो गया था, जो हैट थी वो उड़ के उनके मुंह पे आके लगी थी, और चेयर ने तो उनको धक्का देके कमरे के बाहर ही निकाल दिया था। इसका उत्तर हमें ऐसे लिखना है, A curious incident took place in the village of Iping. एक बहुत ही रोचक घटना हुई थी कहाँ पर? विलेज, उस गांव में, Iping गांव में। When Griffin stayed there, जब ग्रिफिन वहां रह रहा था। Very early in the morning, a clergyman and his wife heard the chink of money being taken from the desk in the study. बहुत सुबह सवेरे, एकदम सुबह सवेरे क्लर्गीमैन पादरी को और उसकी पत्नी को सुनाई दी चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनक जो कि ली जा रही थी स्टडी के, स्टडी में रखी हुई डेस्क से। बट देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन वहां पे किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था। द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द डेस्क वॉज मिसिंग, जो गृह व्यवस्था के पैसे थे डेस्क के अंदर वो गायब थे। When Mrs. Hall surveyed the scientist's room, the furniture of the room started hitting her. जब Mrs. Hall survey कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी उस वैज्ञानिक के कमरे की, तब जो फर्नीचर था वो क्या करने लगा, वो उनको हिट करने लगा, मारने लगा। The constable had to fight with unseen scientist. और जो constable था उसको लड़ना पड़ा एक अदृश्य व्यक्ति से। Describe the end of the story. अब आपको ये बताना है कि कहानी के अंत को आपको थोड़ा सा उसका विवरण देना है। अंत में ये हुआ था कि जब कांस्टेबल आए, मिस्टर जेफर्स आए, तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बिना सर का व्यक्ति देखा। लेकिन जैसा कि उनको हुक्म दिया था वो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्या होने लगा, वो जो वैज्ञानिक था वो और भी ज्यादा अदृश्य होने लगा, क्योंकि वो अपने एक एक कपड़े उतार रहा था, और अंत में वो पूरी तरह अदृश्य हो गया जब उसने अपनी शर्ट भी उतार दी। और ये हुआ था कि लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं से ऐसा लग रहा था कि उनको एक ब्लो पड़ रहा हो, एक मार पड़ रही हो, और अंत में आक्रमण कर कर और जोर से प्रहार कर कर उस साइंटिस्ट ने मिस्टर जेफर्स को बेहोश कर दिया था और खुद को छुड़वा लिया था, मुक्त हो गया था और भाग गया था। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव का जो कांस्टेबल था उसको सीक्रेटली, गुप्त रूप से बुलवाया गया।
The constable was surprised to see that he was arresting a headless man. वो जो constable था वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था ये देखकर कि उसको arrest करना है, गिरफ्तार करना है एक बिना सर वाले व्यक्ति को. The man was becoming more and more invisible. और वो जो व्यक्ति था वो बन रहा था और भी ज्यादा अदृश्य. As the policeman tried to get hold of the man, जब वो पुलिस वाला कोशिश कर रहा था उस आदमी को पकड़ने की, तब एक शर्ट हवा में उछली and he found himself fighting with someone unseen. और उसने ये पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा. Finally, the constable was knocked unconscious. और आखिरकार वो जो constable था वो बेहोश हो गया था. People tried to hold him. लोग उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे. The man freed himself. और उस व्यक्ति ने खुद को मुक्त करा लिया. No one knew how to arrest him. किसी को नहीं पता था कि उसको किस प्रकार से गिरफ्तार करना है. तो ये थी हमारी कहानी Footprints Without Feet की. अब मिलेंगे अगली कहानी के साथ. बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ. बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 10 में संस्कृत व्याकरणम विषय में कारक भाग 2. विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने प्रथमा विभक्ति और उसके अनुवाद कार्य को जाना. आज की कक्षा में हम द्वितीय विभक्ति और उसके अनुवाद कार्य को जानेंगे. तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं द्वितीय विभक्ति में. तो द्वितीय विभक्ति कारक कौन सा होगा? यहाँ पर कर्म कारक. अब देखिए विद्यार्थी, कहा गया है कर्ता क्रियया यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीप्सित तमम कर्म कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति कर्मणि द्वितीया यथा. अब विद्यार्थी, तात्पर्य क्या है इसका कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है. कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा. अब विद्यार्थियों, हम यहां पर भेद कर सकते हैं कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में क्या अंतर है. तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, कर्म संज्ञा हुई और उसके उपरांत द्वितीय विभक्ति हुई, लेकिन उपपद विभक्ति में कोई पद आने पर सीधे ही द्वितीय विभक्ति हो जाती है. देखिए विद्यार्थी, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि रामः गच्छति. अब कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसको चाह रहा है? गांव को, क्योंकि जाने जाना कहाँ है, गांव जाना है. तो विद्यार्थियों, राम गांव को जाता है. बालकाः पठन्ति वेदम, तो बालकाः वेदम पठन्ति. वयम् द्रक्ष्यामः, क्या देखेंगे? नाटकम. साधु अकरोत, साधु करता है क्या? तपस्याम. संदीपः वदेत सत्यम. तो क्या हुआ विद्यार्थियों, रामः ग्रामं गच्छति, बालकः वेदं पठन्ति, वयं द्रक्ष्यामः, साधु अकरोत, संदीपः सत्यं वदेत. तो ग्रामं, वेदं, नाटकं, तपस्यां, सत्यम, ये क्या है विद्यार्थियों? कर्म है. कर्म होने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है. अब देखिए विद्यार्थियों, हमने देखा कि जो प्रथम पुरुष है उसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष की. अब यहाँ पर भी प्रथम पुरुष. अब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? वयम. यहाँ पर क्या है? अहम, आवाम. वयम अस्मत् शब्द है, इस कारण यहाँ पर क्या होगा? उत्तम पुरुष की क्रिया. इसी प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रथम पुरुष, उसके अनुसार क्रिया. यहाँ पर प्रथम पुरुष, उसके अनुसार क्रिया. अब आगे की ओर बढ़ते हैं. देखिए विद्यार्थियों, आगे कहा है आधोलिखित शब्दानाम योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति यथा. निम्नलिखित शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है. अब यह क्या है विद्यार्थियों? यह है उपपद विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सीधा ही उन शब्दों के, उन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा. देखिए अभितः या उभयतः, तात्पर्य क्या है? दोनों ओर. इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति. परितः सर्वतः, चारों ओर. समयानिकसा, समीप में. अंतरेण बिना, बिना. अब देखिए अभितः, तो राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं. अब यहाँ पर विद्यार्थियों, जो अभितः है उसके योग में क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है. तो यहाँ पर क्या है? उपपद विभक्ति. उसी प्रकार से ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं, यह इसका अनुवाद है. तो यहाँ पर विद्यार्थियों, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति. समया निक्षा, समीप में, तो विद्यालयम निक्षा देवालयः अस्ति, विद्यालय के समीप देवालय है या मंदिर है. अंतरेण अथवा बिना, तो प्रदीपः पुस्तकं विना पठति, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है. विना के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है. अंतरा, अंतरा से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? बीच में. तो क्या होगा? रामम श्यामम च अंतरा देवदत्तः अस्ति, अंतरा के योग में रामम श्यामम में द्वितीय विभक्ति.
और उसी प्रकार से धिक, धिक से क्या तात्पर्य है, धिक्कार, तो दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार, धिक के योग में दुष्टम में क्या है द्वितीय विभक्ति, हा हाय में क्या है विद्यार्थियों दुर्जनम, हा दुर्जन को हाय, अब यहाँ पर हा के कारण द्वितीय विभक्ति दुर्जनम, इस प्रकार से पद बना है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, प्रति, प्रति से क्या तात्पर्य है और, तो छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। अनु पीछे, तो राजपुरुषः चोरम अनुधावति, राजपुरुष चोर के पीछे दौड़ता है। यावत तक, तो गणेशः वनम च यावत गच्छति, गणेश वन तक जाता है। अब यहाँ पर यावत के कारण वनम में, अनु के कारण चोरम में, प्रति के कारण विद्यालयम में क्या हुआ है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है विद्यार्थियों अधोधः, अधोधः से क्या है सबसे नीचे, तो भूमि मधोधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है, या ठीक नीचे, अधोधः से क्या तात्पर्य है ठीक नीचे, तो भूमि के ठीक नीचे जल है। अध्यधि अंदर अंदर, तो लोकम अध्यधि हरि ही अस्ति, लोक के अंदर अंदर हरि है। या ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर, तो लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपर ऊपर सूर्य है। अब विद्यार्थी ऊपरी ऊपरी, अध्यधि, अधोध, इनके कारण भूमिम, अध्यधि के कारण लोकम, ऊपरी ऊपरी के कारण लोकम, इनके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए आगे है आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आश धातु नाम प्रयोगे येषाम आधार से कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति आदि सिंहस्थाशाम कर्म, यह एक सूत्र है। अब यहाँ पर बताया गया है विद्यार्थियों कि आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था तथा आश धातुओं के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, आधार में होती है सप्तम विभक्ति, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि यदि आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आश धातु होगी तो वहां पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वहां पर क्या होगी अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। पहले आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म होने के कारण वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए उदाहरणार्थम अधिशेते, अधिशेते से क्या तात्पर्य होता है, तो सुरेश है शय्याम अधिशेते, सुरेश का आधार क्या है शय्या है, लेकिन यहाँ पर अधिशेते अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु होने के कारण क्या हुआ अधिशेते और जो शय्या है उसमें कर्म संज्ञा और कर्म होने के कारण द्वितीय विभक्ति क्या होगा सुरेश है शय्याम अधिशेते। अधितिष्ठति बैठता है, तो अध्यापक अधितिष्ठति अध्यापक बैठता है। अब अधितिष्ठति होने के कारण जो आसंदिका है उस आसंदिका में कर्म, तो क्या हुआ आसंदिकाम, तो अध्यापक आसंदिकाम अधितिष्ठति अध्यापक आसंदिका पर बैठता है। उसी प्रकार से अध्यास्ते बैठता है, तो नृप अध्यास्ते राजा बैठता है कहाँ सिंहासनम सिंहासन पर। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए अधिशेते अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आश धातु, तो क्या पद बने हैं अधिशेते अधितिष्ठति और अध्यास्ते। उसी प्रकार से आगे देखिए विद्यार्थियों उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु के वश धातु हो प्रयोगे अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति उपान्वध्यांग वशः। अब यहाँ पर विद्यार्थियों कुछ उपसर्ग हैं और उन उपसर्गों के साथ यदि अगर वश धातु का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कहा गया है कि उप अनु अधि आंग, आंग में कैसे स्पष्टता आ उपसर्ग पूर्वक वश धातु के योग में इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए विद्यार्थियों उप अनु अधि और आंग इनके साथ कौन सी धातु हो वश धातु हो, देखिए क्या बनता है उपवशति अनुवशति अधिवशति और आवशति। उप अनु अधि और आंग हमारे पास में जो वश धातु है वश धातु से पूर्व जो उपसर्ग है उपसर्ग लगने के बाद में जो धातु रूप है वह किस प्रकार से बना हुआ है उपवशति अनुवशति अधिवशति और आवशति। देखिए उपवशति से क्या तात्पर्य पास में रहता है, तो श्याम नगरम उपवशति श्याम नगर के पास रहता है। कुलदीप है गृहम अनुवशति कुलदीप घर के पीछे रहता है। अधिवशति अनुवसति से क्या तात्पर्य पीछे रहता है और अधिवसति से क्या तात्पर्य में रहता है, तो सुरेश है जयपुरम अधिवसति सुरेश जयपुर में रहता है। आवशति रहता है, तो हरि ही बैकुंठम आवशति हरि बैकुंठ में रहते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों आदि उपसर्ग अधि क्या क्या है उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु होने पर जो कर्म है जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्म होने के कारण वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखिए विद्यार्थियों अभिनी उपसर्ग द्वय पूर्वक विषधातोः प्रयोगे सति अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति अभिनी विशश्च। का क्या कहा गया है कि अभिनी ये दो उपसर्ग हैं अभि और नी,
इन दो उपसर्गों के साथ विष धातु का प्रयोग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है एवं कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। अब विद्यार्थी ये दोनों उपसर्ग एक साथ होने चाहिए, अभी और नी। देखिए किस प्रकार से पद बनेगा, अभिनिविशते, तो दिनेशः ग्रामम अभिनिविशते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है, छात्र है विद्यालयम अभिनिविशते, छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है। अब अभिनिविशते होने के कारण ग्रामम में और यहाँ पर भी विद्यालयम में क्या होगा विद्यार्थियों, कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दिनेश है ग्रामम अभिनिविशते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है, छात्र है विद्यालयम अभिनिविशते, छात्र विद्यालय में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर दो वाक्य दिए हुए हैं। आगे है विद्यार्थियों, अपादानाधिकारकाणाम यत्र अविविक्षा अस्ति तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति अकथितम च। कहा गया है कि अपादानाधिकारकों की जहाँ विवक्षा होती है वहाँ उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयुक्त होती है अकथितम च। देखिए विद्यार्थियों, संस्कृत भाषायाम एतादृशः षोडश धातवः सन्ति येषां प्रयोगे एकं तु मुख्यं कर्म भवति अपरं च अपादानाधिकारके अविवक्षितं गौणं कर्म भवति अस्मिन् गौणे कर्मणि एव अत्र द्वितीय विभक्ति भवति इमे धातवः एव द्विकर्मक धातवः कथ्यन्ते। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो द्विकर्मक होती है, अर्थात वहां पर दो दो कर्म होंगे, तो वहां पर एक तो मुख्य कर्म होगा एक गौण कर्म होगा। जो मुख्य कर्म होगा उसमें तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन जो गौण कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए विद्यार्थी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातुएं हैं जिनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है और दूसरा अपादानाधिकारकों से अविवक्षित गौण कर्म होता है। इस गौण कर्म में ही द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, ये धातुएं ही द्विकर्मक धातुएं कही जाती है, इनका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। देखिए वह धातुएं कौन कौन सी है, दुह याच पच दंड प्रच रुध ची जी भ्रू शाश मथ मुस नीरी वह और कृष। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये धातुएं हैं। चलिए एक एक धातु को देखते हैं। दुह, दुह धातु द्विकर्मक है, अर्थात यहाँ पर दो कर्म होंगे। हमारे पास में वाक्य है गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धी, गोपाल गाय से दूध को दोहता है। अब यहाँ पर एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। मुख्य कर्म कौन सा है विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दुग्धम है वह क्या है, मुख्य कर्म है, और जो गाम है वह क्या है, गौण कर्म है। तो गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर भी क्या आया है, कर्म हुआ है, और कर्म होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गोपाल गाय से दूध को दोहता है। उसी प्रकार से याच धातु मांगना द्विकर्म, तो सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक को मांगता है, सुरेश महेश से पुस्तक को मांगता है। तो महेशम में क्या है विद्यार्थियों, गौण कर्म है और यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पच पकाना, पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, पाचक चावलों से भात पकाता है, भात को पकाता है, तो तंडुलान के अंतर्गत क्या है विद्यार्थी, द्वितीय विभक्ति, यहां पर भी गौण कर्म है। दंड, दंड देना, तो राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। अब विद्यार्थियों गर्गान, गर्गान क्या है, गौण कर्म है और यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए विद्यार्थियों पृच, पृच से क्या तात्पर्य, पूछना, तो सह माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग को पूछता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम यदि अगर सीधा सीधा अर्थ लगाएं तो विद्यार्थियों हमें पता चल जाता है कि कहाँ गौण कर्म है और कहाँ पर मुख्य कर्म है। देखिए यदि अगर हम कारक चिन्हों का अध्ययन करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पेपर, इस प्रकार से विद्यार्थियों यदि अगर हम अध्ययन करें तो देखिए वह बालक से मार्ग को पूछता है, तो मार्ग को यहाँ पर मुख्य कर्म है और से जहाँ पर अर्थ आ रहा है वह क्या है, गौण कर्म है। तो स माणवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग पूछता है, तो माणवकम गौण कर्म द्वितीय विभक्ति। रुध, रुध से क्या तात्पर्य, रोकना, ग्वाल है गाम दंडम अवरुणद्धि, ग्वाला गाय को दंड से रोकता है। उसी प्रकार से ची चुनना, मालाकार है लताम पुष्पम चिन्होति, तो मालाकार पुष्प को चुनता है लताओं से, तो लताम के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति है गौण कर्म होने के कारण। उसी प्रकार से विद्यार्थियों जी धातु जीतना, नृपः शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो शत्रुम में क्या है, गौण कर्म है, गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भ्रू, भ्रू से क्या तात्पर्य, बोलना, तो गुरु शिष्यम धर्मम भ्रूते, गुरु शिष्य को धर्म कहता है। अब उसी प्रकार से सास, सास से क्या तात्पर्य, कहना,
तो गुरु शिष्य को धर्म कहता है, दोनों का अर्थ एक ही है। गुरु शिष्य को धर्म बोलता है या गुरु शिष्य को धर्म कहता है। अब यहाँ पर शिष्य में क्या है, गौण कर्म है। मथ यानी मथना, स क्षीर निधिम सुधाम मतनाति, वह क्षीर सागर से अमृत को मतता है। तो क्षीर निधिम में क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर गौण कर्म है और जो सुधाम है वहां पर मुख्य कर्म है। तो क्षीर सागर से अमृत को मतता है। मुश, मुश से क्या तात्पर्य है, चुनना। क्या है विद्यार्थियों, चुनना। तो देखिए चोर है देवदत्त, हम सतम धनम उष्णाति, चोर देवदत्त का धन चुराता है। तो अब विद्यार्थियों चोर देवदत्त का या चोर देवदत्त से धन को चुराता है, इस प्रकार से हम इसका तात्पर्य लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देवदत्तम में क्या होगा, गौण कर्म होगा और गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर क्या होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। नी, नी से क्या तात्पर्य, ले जाना। स अजाम ग्रामम नहीं थी, वह बकरी को गांव ले जाता है। ह्री, ह्री से क्या तात्पर्य, हरण करना। तो स कृपणम धनम हरती, वह कंजूस के धन का हरण करता है। वह ले जाना तो कृषक है, ग्रामम भारम वहति, किसान गांव में बोझा ले जाता है। कृष खींचना, कृषक है क्षेत्रम महिषीम कर्षति, किसान खेत में भैंस को खींचता है। ग्रामम कृपणम, ग्रामम क्षेत्रम इत्यादि वाक्यों के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है विद्यार्थियों, कालवाचिनी शब्दे मार्गवाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीय विभक्ति भवति कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, यह सूत्र है। तात्पर्य क्या है कि कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। कालवाचक अर्थात समयवाचक हो गया और मार्गवाचक अर्थात जो मार्ग से संबंधित है वह, इनमें अत्यंत संयोग हो तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, जो गम्यमान है उस गम्यमान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए सुरेश अत्र पंच दिनानि पठति, सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से पढ़ रहा है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमने अध्ययन किया कि कालवाची और मार्गवाची, तो कालवाची क्या है विद्यार्थियों, पंच दिनानि, तो इसमें क्या हुआ, कर्म हुआ और यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का। मोहन है माशम अधीते, मोहन लगातार महीने भर से पढ़ता है तो माशम में कर्म। नदी क्रोशम कुटिलास्ती, नदी कोश भर तक लगातार टेढ़ी है तो क्रोशम में कर्म। प्रदीप है योजनम पठति, प्रदीप लगातार एक योजन तक पढ़ता है तो योजनम में कर्म। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या होगा विद्यार्थियों, अत्यंत संयोग होने पर वहां पर कर्म संख्या होगी। आगे देखिए विद्यार्थियों हमारा जो द्वितीय विभक्ति है उस द्वितीय विभक्ति से जो अनुवाद से संबंधित जो वाक्य है उनका भी अध्ययन हम करते हैं। देखिए मैं वृक्ष को देखता हूं, तो सर्वप्रथम क्या लेंगे विद्यार्थियों, अहम, मैं हो गया। अब विद्यार्थियों हम यह देखते हैं कि यह किसके अंतर्गत प्रयुक्त होता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, क्योंकि अश्मत शब्द है। तो विद्यार्थियों अब अहम के साथ क्या होगा, अहम एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगी, तो अहम के साथ आएगा अहम पश्यामि। अब विद्यार्थियों वृक्ष को देखता हूं तो कर्म है तो क्या होगा, वृक्षम, तो अहम वृक्षम पश्यामि। बालक प्राप्त करता है तो बालक प्रथम पुरुष, बालक क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी तो बालक लभते, बालक प्राप्त करता है। अब किस को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है तो क्या होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति, तो क्या लिखेंगे, बालक भोजनम लभते, वह पुस्तिका लिखती लिखती है। उसी प्रकार से हम सब पढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हम सब से क्या तात्पर्य हुआ, अस्मत शब्द, अहम आवाम वयम, वयम होगा बहुवचन है तो क्रिया होगी उत्तम पुरुष बहुवचन की, तो क्या लिखेंगे, वयम पठामः। अब क्या पढ़ेंगे, तो कहा कि संस्कृत पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, संस्कृतम, तो वयम संस्कृतम पठामः। इस प्रकार से विद्यार्थी द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत यदि अगर कोई वाक्य होता है तो हम इस प्रकार से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय में बुक बी हाइव से द लिटिल गर्ल भाग 1-2, वे कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भाग 5, वे संस्कृत व्याकरणम विषय में कारक भाग 2। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में संस्कृत विषय में बुक शेमुशी प्रथमो भाग से स्वर्ण काक, वे अंग्रेजी विषय में पोयम नो मैन आर फॉरेन, वे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में जल संसाधन भाग 5-6। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है
feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।